क्या आपकी भी किसी YouTube वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के लास्ट तक आप जान जाएंगे कि आपको कैसे कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करना है और वापस से अपनी वीडियो को कैसे मोनेटाइज कर देना है, जिससे कि आपको रेवेन्यू अर्न होता रहे। अब फ्रेंड्स, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी जान लीजिए कि 2-4 दिन पहले जो है मेरे पास एक मेल आता है यूट्यूब से, उस पर लिखा होता है कि आपको इस कंपनी द्वारा जो है कॉपीराइट क्लेम इस वीडियो पर दिया गया है। मैं थोड़ा डिटेल में चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस वीडियो के जो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है उसके ऊपर जो है मेरे को कॉपीराइट क्लेम मिला है। अब फ्रेंड्स, वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है वो एक रॉयल्टी फ्री म्यूजिक था, ठीक है। उसमें बस एट्रीब्यूशन देना रिक्वायर्ड था कि आपको जो है बस ऑथर का क्रेडिट देना है, उसका लिंक देना अपने डिस्क्रिप्शन में, आपके ऊपर जो है कोई भी यानी कॉपीराइट क्लेम या कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी। उसको मैंने यूज़ किया था, वो भी साल भर पहले, और उस वीडियो पे कोई ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास तब भी जो है उस वीडियो द्वारा यानी उस कंपनी द्वारा जो है मेरी उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम मिल गया है। तो फ्रेंड्स, उस पर तो व्यूज़ ज़्यादा नहीं है तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके केस में ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। आप जो है किसी भी जितनी भी ऐसी कंपनियाँ हैं, जितने भी ऐसे ज़्यादा मैक्सिमम चैनल है यूट्यूब पे जो बोलते हैं कि आप रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक यूज़ कीजिए, तो कहीं से भी डाउनलोड मत कीजिए। आप जो है बस यूट्यूब लाइब्रेरी से ही डाउनलोड करके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी जो है आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, चाहे तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी मार सकता है, जो कि आपके चैनल के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कैसे आपको अपने किसी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव करना है। तो इसके लिए चलना होगा हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको अपने चैनल के डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे आपको कंटेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो को फिल्टर करना है। तो देखिए, यहाँ पे फिल्टर का आइकन आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और कॉपीराइट क्लेम पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके चैनल पे जिन जिन वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ रखा है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो मेरे केस में इस वीडियो पे आ रखा है। तो देखिए, कॉपीराइट क्लेम के ऊपर मैं माउस ले जाऊंगा तो देखिए सी मोर डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे सामने जो है कॉपीराइट समरी और इसका स्टेटस जो है ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वीडियो के स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इससे जो है हमारे चैनल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया है, स्ट्राइक नहीं दिया है। विजिबिलिटी हमारे केस में पब्लिक है और सिर्फ इसने जो है स्टेटस में यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन का जो स्टेटस है वो बता रहा है कि इनएलिजिबल, कि इसका जो भी रेवेन्यू हो शेयर करेगा किसके साथ, इसके साथ जो ये कंपनी है, इन्होंने जो है मेरे को ये कॉपीराइट क्लेम किया है इस वीडियो ड्यूरेशन में, ठीक है। ये देखिए, इसका टाइम स्टैम्प ये रहा, इस टाइम स्टैम्प को आप यहाँ से डायरेक्टली प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको जो है रिजॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे एक्शन बटन है आपके पास, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है ट्रिम एंड सेगमेंट का, ट्रिम आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिम आउट में उसको कट कर देंगे, रिप्लेस सॉन्ग में उतने हिस्से का जो सॉन्ग है उसको रिप्लेस कर देंगे और म्यूट सॉन्ग में उतना हिस्सा जो है आप उस सॉन्ग का म्यूट कर देंगे, उतने ड्यूरेशन का जितने ड्यूरेशन का इन्होंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो हम अपने केस में सॉन्ग को रिप्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है एडिटर जो है ओपन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पर कुछ सॉन्ग है इनको आप सुन के अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहीं से डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। तो मैं इस सेकंड वाले सॉन्ग को जो है यहाँ पे ऐड करूँगा, तो मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए, नीचे जो है सेकंड ट्रैक में ये ऑडियो जो है ऐड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप दूसरे सॉन्ग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए, यहाँ से कोई भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो मैं आप उसको एक प्ले करके दिखा देता हूँ इस वाले सॉन्ग को। तो कुछ ऐसा सॉन्ग है ये बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। तो चलिए, मैंने इसको ऐड तो कर ही दिया है, बस आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको इस सॉन्ग की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, दो प्रॉपर्टी बस मेरे को यहाँ पे दिख रही है चेंजेस के लिए, बस आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक छोटी सी विंडो आपको रिप्लेस के लिए बताएगी, आप रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए और जो है ये चेंजेस जो है अप्लाई हो जाएंगे वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चेंजेस अप्लाई कर दिया है, आप चाहें प्ले करके देख सकते हैं। तो देखिए, अभी चेंजेस अप्लाई नहीं हुए क्योंकि वीडियो जो है अभी अंडर प्रोसेसिंग में, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो मेरे को जो है यहाँ पे 20 मिनट का टाइम लगा है। तो अब इसको पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो है स्टेटस यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, वीडियो हमारी मोनिटाइज हो चुकी है। ये रहा हमारा वीडियो का नाम और कॉपीराइट समरी का स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और हमारा जो है मोनिटाइजेशन इनेबल हो चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहे तो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो मेरा वहाँ पे यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।